जिंदगी हो या राजनीति, दोस्तों का चुनाव बेहद सोच समझकर करना चाहिए। अब देखिए ना, बीजेपी के एक साथी ने चुनाव में प्रधानमंत्री का मंगलसूत्र वाला बयान ही फंसा दिया है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। कर्नाटक के जेडीएस नेता और हासन से मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना की घिनौनी करतूत दक्षिण से लेकर उत्तर तक सियासी मुद्दा बन रही है। कर्नाटक की रैलियों में ये मुद्दा गूंज रहा है तो उसकी आवाज उत्तर तक सुनाई दे रही है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रही है। जेडीएस नेता और पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं के यौन शोषण के मामले में घिरे हैं। उनके 2800 से ज्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लेकर हुबली और देवेगौड़ा के गृह जिले हासन तक जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग जेडीएस के साथ बीजेपी को भी भला बुरा कह रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एसडी रेवन्ना के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एडीजीपी विजय कुमार सिंह की अगुवाई में एसआईटी बना दी है, जिसने जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन इस मामले में दुर्भाग्यपूर्ण खबरें ये है कि मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना विदेश भाग गया है। विपक्ष के नेता इसी को लेकर हमलावर हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता, हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर। इस मामले में कांग्रेस भी बहुत दूध की धुली नहीं दिखाई दे रही है। पिछले साल कर्नाटक में बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। दस्तावेज कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियोस के बारे में सार्वजनिक तौर पर जून 2023 में पता चल चुका था। तब प्रज्वल ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट में 86 मीडिया संस्थानों और 3 व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में शिकायत की थी। प्रज्वल ने अदालत से इन मीडिया संस्थानों पर वीडियोस को पब्लिश करने, छापने या प्रसारित करने से रोक लगाने की मांग की थी। प्रज्वल ने तब इन वीडियोस को फेक और एडिटेड बताया था, लेकिन कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने तब न तो इसकी जांच कराई और न ही इस मामले को गंभीरता से लिया। इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इस मामले में कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हम जांच के पक्ष में हैं और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है,
आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृ शक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, एंड इफ कैरेक्टर इज गॉन देन एवरीथिंग इज गॉन। चरित्र को लेकर राजनीति में बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों ने नेताओं और सिस्टम का असली चेहरा उजागर कर दिया है। कर्नाटक के हासन में एक महिला ने पिछले हफ्ते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग तक भी पहुंची, लेकिन 26 अप्रैल को हासन में वोटिंग होने तक इस मामले में सिस्टम ने चुप्पी साधे रखी। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप हैं, तो पहले उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए, फिर उसके खिलाफ विवेचना शुरू करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं यही कहती हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हुआ और खबरें हैं कि वो विदेश भाग गए हैं। खुद इन्होंने विजेंद्रा को लेटर भी लिखा था और खुद जाके मिलके बात भी किए थे, और उससे ज़्यादा जब अमित शाह जी का मैसूर में टूर था, तब प्रीतम गौड़ा करके बीजेपी का जो एक्स एमएलए है, आरटी रामस्वामी करके, वो भी एक्स एमएलए है, दोनों जाके अमित शाह जी को ये समझाए थे ऐसा ऐसा है, आप अलायंस मत करो, उससे हमको नुकसान होगी, फ़ायदा नहीं होगी। लेकिन ये बावजूद, ये सब जानकारी उनको होने के बावजूद, अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर किए, हम यही पूछना चाहते हैं। कहाँ गया आपका नारी शक्ति, कहाँ गया आपका नारी का सम्मान? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जगह बोलते हो, अब दूसरी जगह आपका अलायंस पार्टनर 300 लोगों के साथ है या 2000 लोगों के साथ है। आज सोशल मीडिया में इतना वायरल हो रहे हैं, इतना बेहुदा हरकत किया है। मैं कहती हूँ ये जितने भी महिलाओं के साथ ये जो अन्याय किया है प्रज्वल रेवन्ना, जो आपके बगल में बैठता है सांसद होके, मैं ये बोलती हूँ ये दिस इज़ लाइक यू नो जीते जाते मरे जैसा, वो महिलाएं अब क्या करें। मैं हैरान हूँ कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। जेडीएस और बीजेपी का एमपी कैंडिडेट कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देव गौड़ा का पोता भी है, उसकी 3000 सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लड़कियां उसके घर में काम करती थीं, कई पार्टी वर्कर्स थीं और कई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी थीं। उन लोगों ने FIR दर्ज कराई है कि ना सिर्फ ये आदमी उनके साथ रेप करता था, बल्कि उनके अश्लील वीडियोज़ बनाता था, जिससे कि बाद तक वो उनको ब्लैकमेल करता रहे। ये भी बताया जा रहा है कि लोकल बीजेपी लीडर को सब पता था, तो फिर इस तरीके के घिनौने आदमी को कैसे टिकट दे दी गई? ये भी पता चला है कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, उसके चंद घंटों में ये आदमी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। तो किसकी शह से इस आदमी ने देश छोड़ा, कैसे हो गया ये? मेरी भारत सरकार से अपील है, ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाइए। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी अपील है। राजनीति का स्तर किस हद तक गिर गया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने रेवन्ना के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि चुनाव में उसका जेडीएस से गठबंधन हो जाएगा। वहीं अगर प्रज्वल के विदेश भागने की खबरें सही हैं, तो केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतने गंभीर आरोपों वाले नेता को विदेश जाने की इजाज़त कैसे मिल गई। प्रज्वल रेवन्ना की हरकतों ने देश के पावर सर्कल में सनसनी मचा दी है। नारी सम्मान और बेटी बचाओ का नारा देने वाली बीजेपी भी सवालों में घिर रही है। वहीं जेडीएस नेताओं की तो बोलती बंद है। प्रज्वल पर आरोपों के बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के कद्दावर नेता एचडी कुमारस्वामी कह रहे हैं कि प्रज्वल के आरोपों को
पार्टी या परिवार से न जोड़ा जाए। हालत ये है कि एचडी कुमारस्वामी की लाख सफाई लोगों के गले नहीं उतर रही है। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। प्रज्वल ने पूरे देवेगौड़ा परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। प्रज्वल के दादा एचडी देवेगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं। 1 जून 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो कांग्रेस के पी चिदम्बरम वित्त मंत्री और मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। किसान परिवार से आने वाले देवेगौड़ा ने संघर्ष के दम पर सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी हासिल की थी। कर्नाटक और तेलंगाना की आधे से ज्यादा सीटों पर अभी चुनाव बाकी हैं। चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना के दुष्कर्मों की लपटें उत्तर तक फैल रही हैं। नेताओं की कथनी और करनी पर सवाल उठ रहे हैं। जब तक प्रज्वल रेवन्ना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, आग की ये लपटें यूं ही शांत नहीं होंगी। सवाल नारी अस्मिता का है, नारी सम्मान का है। सियासत में उठा ये तूफान चुनाव में कितना असर डालता है, इसकी पड़ताल हम करते रहेंगे। तो फिलहाल सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।